Hey guys, welcome back to my channel and if you're new here, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing with you my empties. So I'll be sharing all the products which I have emptied in last couple of months, last 2 to 3 months actually. I'm really happy about few of the products which I have emptied in last couple of months because kuch aise products hain jo mere paas kaafi time se the but I was not able to finish those products, but because of lockdown, since we were not buying new products, so I got a chance to actually go through all those products. Inme se कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो फिनिश नहीं हुए टोटली बट दे गॉट एक्सपायर्ड, सो आई हैव इंक्लूडेड दोज प्रोडक्ट्स एज वेल इन दिस वीडियो. ऑल्सो आई शेयर मेनी रिव्यूज अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई एम गोइंग टू शो यू. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत मेकअप भी है. मेकअप जनरली इतनी जल्दी फिनिश नहीं होता है, तो आई हैव फ्यू काजल्स, लिपस्टिक्स, मस्कारास एंड ऑल. सो लेट्स टॉक अबाउट मेकअप फर्स्ट बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स हैं नहीं. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. दिस इज अ प्राइमर फ्रॉम कलरबार. सो दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड इट्स अ रियली गुड प्राइमर. बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिल कर देता है, बहुत अच्छे से स्किन को स्मूथ कर देता है. अगर टेक्स्चर है स्किन पे या कुछ तो उसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है. इसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई होता है. इट्स अ रियली गुड प्राइमर. आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस प्राइमर फॉर नाउ बिकॉज आई हैव सो मेनी अदर प्राइमर्स विच आई नीड टू फिनिश. फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस प्राइमर. सो नेक्स्ट आई हैव फ्यू मोर प्राइमर्स. एक्चुअली आई हैव दीज टू सैंपल्स. सो ये मुझे नायका से मिले थे ऑन माई सम परचेज ऑफ स्मैश बॉक्स. बोथ ऑफ दीज आर फ्रॉम स्मैश बॉक्स. सो दिस वन इज द ओरिजिनल फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर. So this is the primer. I really like this primer from Smashbox. This also is a silicone based primer and बहुत अच्छे से pores को actually blur कर देता है. Like it says smooth and blur primer, तो बहुत अच्छे से skin को smooth कर देता है and blur करता है, pores को एकदम fill कर देता है. I really like this one. And second one is this. This is a photo finish minimize pores primer. So this is the second one. दिस इज़ इन द स्किन कलर. तो ये वाला जो होता है ना प्राइमर, वो एक ट्रांसपेरेंट कलर में आता है एंड ये वाला जो है ना वो ऐसा स्किन कलर का प्राइमर है. यू कैन सी इस तरह का प्राइमर ही है. इस सेशन में अभी भी प्राइमर है, इट्स नॉट फिनिश्ड बट आई एम डिस्कार्डिंग इट बिकॉज आई डोंट लाइक दिस प्राइमर. इट हैज़ अ गुड फिनिश टू इट. बहुत अच्छी सी स्मूथ ब्लरी सा इफेक्ट है इस प्राइमर का भी, बट समहाउ इट बॉल्स अप वेन एवर आई अप्लाई दिस प्राइमर. सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट. इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ. और वैसे भी ये सेशन है तो आई कॉन्ट कीप इट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम नॉट यूजिंग दिस, सो आई एम डिस्कार्डिंग इट. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कंसीलर फ्रॉम एलिगल. इज देयर प्रो कंसील एच डी कंसीलर. दिस वन इज इन द शेड मीडियम बेज. ये जो शेड है वो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, बट ये जो कंसीलर है वो काफ़ी अच्छा कंसीलर है. इससे आपको लाइट टू मीडियम कवरेज मिलती है. फुल कवरेज कंसीलर नहीं है बट मीडियम कवरेज मिलती है. बट ये काफ़ी लाइट वेट कंसीलर है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है फेस के ऊपर एंड इट्स अ रियली गुड कंसीलर. नाउ आई हैव फ्यू लाइनर्स विथ मी. सो आई हैव गॉट दीज टू लाइनर्स. दिस वन इज फ्रॉम नायका. इट्स द ब्लैक मैजिक लिक्विड आई लाइनर. This one is a really good liner. Actually, you get this kind of tip here. It's a very thin brush, but it's very easy to apply liner using this applicator. And it's a matte eyeliner. बहुत easily apply हो जाता है, काफ़ी matte है, so that's why I like this liner. And the next liner is from PAC. It's their Smart Tip Liquid Liner. This liner is also really good. इसके अंदर आपको felt tip applicator मिलता है. So you get this kind of applicator. I really like this felt tip kind of applicator because it's very easy to apply a liner using this kind of applicator. So it's this liner is really easy to apply and this also looks really really good. एक problem मुझे ये लगी कि ये जो liner है ना वो काफ़ी जल्दी finish हो गया था. I think you don't get a lot of product in this liner. You actually get 1.7 ml. बट आई फील कि ये जो लाइनर है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था. बट अदरवाइज इट्स अ गुड लाइनर एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज एनी ऑफ दिस बिकॉज मेरे पास दूसरे लाइनर है जो मुझे ख़त्म करने हैं. एंड वंस आई फिनिश दोज लाइनर्स आई विल डेफिनेटली परचेज द नायका वन. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द पैक वन सिंस यू गेट वेरी लेस प्रोडक्ट इन दिस वन अकॉर्डिंग टू मी. नेक्स्ट आई हैव वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम पैक. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट. सो दैट्स दिस मस्कारा. सो इट्स देयर टू इन वन काइंड ऑफ मस्कारा. सो यू गेट टू वॉन्ड्स हियर इन दिस मस्कारा. दिस इज स्लिम एंड दिस इज स्लिमर. सो
ऑन स्लिम साइड एक्चुअली वॉन्ड टूट रही है, कांट शो यू, पता नहीं कब हुआ, बट या लेट्स सी दिस साइड. सो यू गेट दिस काइंड ऑफ वॉन्ड हियर, ये वॉन्ड भी थोड़ी सी मुड़ गई है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स रियली स्लिम. तो इसकी जो हैंडलिंग है ना, इट्स रियली डिफिकल्ट. और ये जो मस्कारा है मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया बिकॉज इट ड्राइड डाउन रियली क्विकली, बहुत ही जल्दी ड्राई हो गया. एंड आई एक्चुअली डिडंट लाइक दिस मस्कारा एट ऑल. मैंने उसको शायद 2 या 3 बार ही यूज़ किया होगा एंड उसके बाद ये ड्राई हो गया एंड आई कुडंट यूज़ इट. और इसका जो स्लिमर पार्ट जो है, स्लिमर वाली जो वॉन्ड है, वो एक्चुअली बिल्कुल भी यूज़फुल मुझे नहीं लगी थी. सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दैट मस्कारा. सो नेक्स्ट आई हैव दीज 3 आई पेंसिल्स विथ मी. सो फर्स्ट वन इज दिस वन फ्रॉम कलरबार. सो इट्स अ गुड काजल, इट्स अ रिट्रैक्टेबल काजल. सो एज यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन दिस वन बट इट गॉट एक्सपायर्ड, सो दैट्स वाई आई एम डिस्कार्डिंग इट. एक्चुअली ये सारे ही जो काजल हैं जो मैं इसमें आपको शो कर रही हूँ वो फिनिश नहीं हुए हैं बट एक्सपायर हो गए हैं, सो दैट्स वाई आई एम डिस्कार्डिंग इट. सो इट्स अ डिसेंट लाइनर, मतलब अच्छा कलर देता है लाइनर आपको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड है, ईजी टू अप्लाई है, कोई टगिंग और पुलिंग नहीं है and it's a retractable liner, so it's a good liner actually. Next I have this one from Lakme. This is their iconic liner and iconic kajal, and this one is in the color blue. तो ये वाला काजल भी मैंने ज़्यादा use नहीं किया and it got expired. So this is how this kajal looks. I don't know, ये जो Lakme के iconic kajal आते हैं they didn't work well for me. Generally people talk good things about these kajal but somehow it didn't work for me. I didn't see ki काफ़ी अच्छे से pigmented है and it was little difficult to apply these liners. कोई भी harsh liners मुझे actually suit नहीं करते because my eyes are really sensitive. If I use anything harsh on my eyes starts watering. तो इसीलिए मुझे ये liner कुछ खास पसंद नहीं आया. ये थोड़ा सा dry भी है तो yeah. That was the story about that liner. Next is this liner from Plum. So this is not a retractable kajal and as you can see ye bilkul bhi finish nahi hua. Actually I didn't use it much. I think I used it like 2-3 times because this kajal didn't work for me at all. It is really harsh and you can't get good pigmentation of this kajal on the eyes somehow. ये ऐसे हाथ पे अप्लाई करने पे तो इजीली अप्लाई हो जा रहा है बट व्हेन आई यूज़ दिस लाइनर ऑन माय वाटर लाइन इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ गुड पिगमेंटेशन आउट ऑफ दिस लाइनर. बहुत ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़ता है टू गेट अ गुड पिगमेंटेशन. आई डोंट नो व्हाई दिस डिडंट वर्क फॉर मी. आई सी एवरीवन लाइक दिस लाइनर, एवरीवन रेव्स अबाउट दिस लाइनर फ्रॉम प्लम बट दिस वन डिडंट वर्क फॉर मी एट ऑल. आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लाइनर व्हेन आई गॉट इट आफ्टर सीइंग रिव्यूज ऑफ एवरीवन बिकॉज एवरीवन वॉज saying only good things about this liner. तो मैं काफ़ी excited थी but it didn't work for me at all. So I'm actually planning to repurchase this liner because मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे जो product मिला है इसमें कुछ problem हो. तो I want to actually use this kajal. I'll repurchase this one once I finish few of the kajals which I already have. तो थोड़े finish हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ये वाला kajal ज़रूर repurchase करूँगी because I want to try this since it works for everyone and it didn't work for me. तो I want to give it another chance. So I'll be repurchasing this. अभी नहीं, थोड़े time बाद. But I'll definitely repurchase that liner. तो नेक्स्ट आई हैव दीज 2 लिपस्टिक्स विथ मी. अगेन ये लिपस्टिक्स ओवर नहीं हुई हैं बट एक्सपायर हो गई हैं सो आई एम डिस्कार्डिंग दीज लिपस्टिक्स. सो दिस वन इज फ्रॉम मेबेलिन. इट्स देयर कलर शो लिपस्टिक आई गेस. यस, इट्स देयर कलर शो लिपस्टिक. दिस वन इज इन द शेड फायर क्रैकर रेड. सो दिस इज द लिपस्टिक एंड यू कैन सी इट स्टिल हैज दिस मच प्रोडक्ट बट इट गॉट एक्सपायर्ड सो आई एम गेटिंग रेड ऑफ दिस वन. इट्स अ गुड लिपस्टिक. मेबेलिन की जो कलर शो रेंज है ना वो काफ़ी अच्छी थी. काफ़ी पुरानी रेंज है बट काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स है उस रेंज में. एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड पलाडियो. दिस वन इज नॉट एक्सपायर्ड एक्चुअली बट आई शो यू. कैन यू सी ऑन द टिप? आई डोंट नो वॉट हैपन टू द टिप ऑफ दिस लिपस्टिक. सो दैट्स वाई आई फील कि आई शुडेंट यूज दिस.
डेट वाइज तो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, बट बाय लुकिंग एट इट इट लुक्स लाइक इट हैज़ गॉन बैड एंड इट स्मेल्स ऑल्सो वेरी बैड, सो दैट्स वाई आई एम डिस्कार्डिंग इट. आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस लिपस्टिक बिकॉज आई लाइक दिस शेड, बट समहाउ ये बहुत ही जल्दी खराब होगी. जनरली लिपस्टिक्स इतनी जल्दी खराब होती नहीं है, बट आई डोंट नो वॉट हैपन विद दिस वन, ये बहुत ही जल्दी खराब हो गई. सो या दोज वर द ओनली मेकअप प्रोडक्ट्स आई एम्प्टीड. जनरली मेकअप प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं. So let's move on to other things. So the next product is this one. This is not an empty product, just that I'm discarding it, so I'm showing you. So it's a facial razor, as you can see. So this one is from the brand Let's Shave. I use this facial razor from this brand only. Bahut hi acche razor aate hain ke, and they last you for a really long time. I use this razor for like 2-3 months, and now I think it's a good time to discard this. So I'm discarding this one. मेरे पास और भी इसके backups हैं. When I got it, I got a set of 5. तो I already have backups of this one. But जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो I'll definitely repurchase this because I really like this facial razor. ये बिल्कुल भी you know harsh नहीं है. इसकी जो blade है वो बिल्कुल भी harsh नहीं है face पे, और बहुत अच्छे से आपके जो facial hair है ना वो remove हो जाते हैं इससे. तो I really like this. And एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि it comes with this cap. इस तरह से आप इसको बंद करके अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं. सो दैट ऑल्सो आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो या ऑब्वियसली आई बी रीपर्चेजिंग दिस वन, बट नॉट फॉर नाउ. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम्प्टीड इज दिस वन फ्रॉम काया. इट्स अ स्मूदिंग क्लींजिंग जेल. इट्स लाइक अ क्लींजिंग जेल. मैं इसको अपने मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती थी. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई लिंक दैट वीडियो हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेर आई टॉक्ड अबाउट माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. तो आपने उसमें देखा होगा कि मैं ये वाला ही क्लींजिंग जेल यूज़ करती थी एंड इट गॉट फिनिश. इट्स अ गुड क्लींजिंग जेल. इट्स अ जेल बेस्ड क्लींजर, तो अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है एंड बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है. थोड़ा बहुत तो ड्राई करता है बट क्लीन अच्छे से कर देता है फेस को. बिल्कुल भी हार्श नहीं है फेस के ऊपर. तो अच्छा क्लींजर है, बट मैं इसको अभी तो रीपर्चेज नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव सम अदर प्रोडक्ट्स विच आई वॉन्ट टू फिनिश फर्स्ट. सो आई एम नॉट गोना रीपर्चेज दिस वन. नाउ आई हैव वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम काया विच इज दिस टोनर. सो इट्स देयर डेली पोर मिनिमाइजिंग टोनर. नाउ दिस टोनर आई एक्चुअली डिडंट लाइक मच. मैंने कैसे तो भी करके इसको ख़त्म किया है. आई समहाउ डिडंट लाइक द स्मेल ऑफ दिस टोनर एंड इट सेज पोर मिनिमाइजिंग टोनर एंड ऑल, बट आई डिडंट सी एनी डिफरेंस इन माई पोर्स. तो आई डोंट थिंक इट वर्क फॉर मी एंड आई एक्चुअली डिडंट एन्जॉय यूजिंग दिस प्रोडक्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस. ऐसा कुछ ख़राब नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, बट वॉट एवर दे क्लेम लाइक इट विल मिनिमाइज यूर पोर, आई डोंट थिंक इट डज दैट. एंड I didn't enjoy using this, so yeah, that was my experience with it. The next product which I have is this makeup remover from Lakme. It's their Absolute Bi Face Makeup Remover. So as you can see, ये product actually ख़त्म नहीं हुआ है. इसके अंदर काफ़ी सारा product अभी बाकी है, but I'm discarding it because I don't like this product at all. It's like a oil based cleanser, as it says by face, so it is a oil based cleanser, but whenever I use this cleanser it stings my eyes a lot. ये बहुत ज़्यादा इरीटेट कर देता है स्किन को और इतना अच्छे से मेकअप रिमूव भी नहीं होता है. तो दैट्स वाई आई डोंट लाइक दिस मेकअप रिमूवर. एंड यू कैन सी राइट, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है. तो आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दिस बिकॉज आई एम एनी वे नॉट यूजिंग दिस. और थोड़ा टाइम में ये एक्सपायर भी हो जाएगा. सो दैट वॉज द थिंग. सो आई हैव वन मोर मेकअप रिमूवर हेयर विच इज़ दिस माइसेला वाटर फ्रॉम गार्नियर. सो इफ़ यू रेगुलरली वॉच माई वीडियो यू माइट ऑलरेडी नो कि मुझे ये माइसेला वाटर कितना ज़्यादा पसंद है. दिस माइसेला वाटर यू सी इन माई ऑल माई वीडियोज़. मतलब जो भी मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज होते हैं ना उसमें ये पक्के से होगा बिकॉज आई यूज़ इट ऑन लाइक रेगुलर बेसिस. अभी तो मैं रेगुलर बेसिस पे मेकअप वेयर नहीं करती हूँ, बट वेन एवर आई एम वेयरिंग मेकअप आई यूज़ दिस माइसेला वाटर. बहुत ही अच्छा माइसेला वाटर है. बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव कर देता है. बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है स्किन पे और आईज़ को भी बिल्कुल स्टिंग नहीं करता है. आप कितना भी क्लोज जा सकते हैं अपनी आईज़ में एंड इट वोंट स्टिंग योर आईज़. इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई रियली लाइक इट. दिस इज़ द स्मॉल साइज़. इसका बड़ा साइज़ भी आता है. दिस वन आई यूज़ टू यूज़ वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, बट
सिंस वी आर नॉट ट्रैवलिंग नाउ, तो मैंने ये वाला छोटा बॉटल को फिनिश कर दिया सो दैट ये एक्सपायर ना हो, एक्सपायर होने से पहले मैं इसको ख़त्म कर सकूँ, इसलिए मैंने ये वाला पहले यूज़ करके इसको फिनिश कर दिया है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फेस वॉश फ्रॉम सिंपल, इट्स ए रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. सो ये वाला फेस वॉश भी आपने देखा होगा, मैं इसको अपने मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ. दैट वन द काया वन आई यूज़ इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन एंड दिस वन आई यूज़ फॉर माई मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन. अगेन इट्स अ रियली ब्यूटिफुल फेस वॉश, इट्स अगेन जेल बेस्ड फेस वॉश और अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है. इट टेक्स अवे एनी काइंड ऑफ डर्ट और ऑयल ऑन द फेस, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है एंड बिल्कुल भी हार्श नहीं है फेस पे. इट्स अ जेल बेस्ड क्लींजर तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है फेस को और बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. एंड दिस वन आई एम गोइंग टू रीपरचेज बिकॉज आई रियली लाइक दिस फेस वॉश, जल्दी मैं इसको रीपरचेज करूँगी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस सनस्क्रीन फ्रॉम प्लम, इट्स देयर डे लाइट सनस्क्रीन जेल. अगेन अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन का तो आपने देखा होगा कि आई यूज़ दिस सनस्क्रीन ऑन अ डेली बेसिस. ये बहुत ही अच्छा बहुत ही लाइट सनस्क्रीन है, ये अगेन एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है. जनरली जो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं ना वो थोड़ी हैवी हो जाते हैं बट दिस वन इज जेल बेस्ड सो इट्स वेरी लाइट वेट एज दिस से राइट डे लाइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. एंड सिंस ये इतना लाइट वेट है तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर पाती हूँ. अदरवाइज अगर क्रीम बेस्ड बहुत हैवी सनस्क्रीन होते हैं ना समहाउ आई फॉरगेट अबाउट दोज सनस्क्रीन, बट सिंस इट्स अ रियली लाइट सनस्क्रीन तो मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर पाती थी एंड दिस इज़ आई थिंक माई फेवरेट सनस्क्रीन. सो वेदर आई विल रीपरचेज इट, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट, मैंने इसकी गलती से दो परचेज कर लिए हैं बट आई ऑलरेडी हैव बैकअप ऑफ दिस वन. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉम द ऑर्डिनरी. I really like this hyaluronic acid. So hyaluronic acid is a kind of humectant which provides hydration to your skin. So it actually attracts moisture from the environment around you and it provides that moisture to your skin. So ये काफ़ी अच्छा product है और ये जो ordinary वाला hyaluronic acid है this is a really good product. Actually मैंने एक detailed review share किया हुआ है इसके ऊपर. Review नहीं actually मैंने compare किया था इस hyaluronic acid को with the Dotin Key One. मैं वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, दैट्स अ रियली गुड वीडियो. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाइलुरोनिक एसिड यू शुड वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ अ रियली इंफॉर्मेटिव वीडियो. आपको काफ़ी कुछ जानने मिलेगा हाइलुरोनिक एसिड के बारे में उस वीडियो से. तो दिस इज़ द प्रोडक्ट विच आई एम्प्टीड. मैंने मुझे काफ़ी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसका ऑलरेडी बैकअप परचेज कर लिया है एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग दैट. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, इट्स देयर प्योर रोज वाटर. सो दिस वन इज़ अ स्मॉलर साइज़, इसके अंदर आपको 50 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 250 रुपीज़. ये काफ़ी अच्छा रोज़ वाटर है, इससे काफ़ी रिफ्रेश फील होता है वेन एवर यू स्प्रे दिस राइट, तो आपको फेस काफ़ी रिफ्रेश फील होता है. बहुत ही अच्छा रोज़ वाटर है ये बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक यू नीड टू पे 250 रुपीज़ फॉर 50 ml ऑफ प्रोडक्ट. आई फील इट्स रियली एक्सपेंसिव, आपको दूसरे रोज़ वाटर शायद मिल जाएंगे इससे कम प्राइस में, बट कंसिडरिंग दिस कामा आयुर्वेदा इट्स अ गुड प्रोडक्ट. और कामा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट आपको 250 रुपीज़ में मिल रहा है, अगर हम उस तरह से कंसिडर करें तो इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा रोज़ वाटर है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है ये. सो नेक्स्ट आई हैव दिस वन मोर मिनी प्रोडक्ट, दिस इज़ फ्रॉम द फेस शॉप, इट्स देयर वाइट सीड ब्राइटनिंग सिरम. इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैवल पैक और मैं इसको अपने ट्रैवल बैग में रखती थी. सो अगेन सिंस वी डोंट नो कि नेक्स्ट हम कब ट्रैवल करेंगे तो मैंने वो सब ट्रैवल पैक्स जो है ना निकाल लिए सो दैट आई कैन फिनिश देम बिफोर दे गेट एक्सपायर्ड. सो ये वाला फिनिश हो चुका है, इट्स अ रियली गुड सीरम. फेस शॉप के एक्चुअली सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, दिस इज़ फ्रॉम देयर वाइट सीड रेंज. मैं जनरली उनके चिया सीड रेंज वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. इवन दिस वन इज़ ऑल्सो रियली गुड, बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है ये आपके फेस को एंड काफ़ी अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है. सो दैट वॉज द नेक्स्ट थिंग. Now next I have few body care products. So first product is this one from the body shop. It's their Moringa softening body butter. So basically it's a body butter. आपको इतना बड़ा tub मिलता है, you can see मैंने पूरा finish कर दिया है. ये product ना मेरे पास काफ़ी time से है and I was not able to finish this because जो body butters रहते हैं वो काफ़ी thick होते हैं consistency में and since I live in Hyderabad, Hyderabad उतना ज़्यादा dry नहीं है तो आपको उतने ज़्यादा थिक प्रोडक्ट की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है. तो इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिनिश दिस बॉडी बटर, सम हाउ दिस लॉकडाउन हेल्प मी बिकॉज मेरे दूसरे मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गए थे तो आई कुड यूज़ दिट्स एंड आई कुड एक्चुअली फिनिश दिस.
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिलता है इसके अंदर, और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, मतलब इसकी जो स्मेल है ना वो बदल जाती है, बिकॉज इट आई थिंक इसका जो ऑयल रहता है वो सेपरेट होने लगता है, तो आपको ये काफ़ी जल्दी फिनिश करना पड़ता है। एंड आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश दिस बिकॉज ऑफ द साइज एंड सिंस इट्स रियली थिक, तो फाइनली आई कुड फिनिश इट। अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप ऐसे ड्राई एरिया में रहते हैं, इफ द एनवायरमेंट द क्लाइमेट इज ड्राई इन योर सिटी, यू कैन टोटली यूज दिस काइंड ऑफ बॉडी बटर्स, बहुत बिकॉज बहुत थिक है कंसिस्टेंसी में, तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं, बट सिंस मुझे उतना ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे उतना कुछ खास पसंद आया नहीं, बट अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। और इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी अच्छी है, जो बॉडी शॉप की जो मोरिंगा रेंज है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे उनके बॉडी वॉशेस भी काफ़ी पसंद है मोरिंगा के, विच इज़ द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ देयर मोरिंगा शावर जेल, तो मैं बॉडी शॉप की ही शावर जेल यूज़ करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क के शावर जेल परचेज करें, बट उससे पहले मैं यही यूज़ करती थी, एंड करंटली ऑल्सो आई हैव वन ऑफ दीज इन माई वॉशरूम, मेरे पास इसके बैकअप्स हमेशा रहते हैं, बिकॉज मैं यही यूज़ करती हूँ, मैं शावर जेल ही यूज़ करती हूँ एक्चुअली, एंड आई रियली लाइक दीज शावर जेल्स फ्रॉम बॉडी शॉप, तो दिस वन आई फिनिश्ड, सो दिस वन इज़ इन द वेरियंट मोरिंगा, ये मोरिंगा वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड इसका ऑलरेडी मेरे पास एक बैकअप है। प्रोडक्ट तो अच्छा शावर जेल है, मतलब अच्छे से फोम अप करता है और ड्राई भी नहीं करता है बॉडी को। एंड नेक्स्ट आई हैव वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी शॉप, विच इज़ देयर बॉडी मिल्क, दिस इज़ अगेन द सेम वेरियंट मोरिंगा, एज आई टोल्ड यू मुझे इनकी मोरिंगा जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो जो फ्रेग्रेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सो दिस इज़ अ बॉडी मिल्क, अगेन इट वॉज़ अ गुड प्रोडक्ट, ये उतना थिक नहीं है, थोड़ा सा रनी है, तो इट वॉज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इसकी पैकेजिंग, तो इसमें आपको ना ये स्प्रे फॉर्म में मिलता है, तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू टेक आउट द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस स्प्रे पैकेजिंग, सिंस मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं ना वो थोड़े तो थिक होते ही हैं, आई डोंट नो वाई दे हैव दिस स्प्रे काइंड ऑफ पैकेजिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर, तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू यूज दिस, तो मैंने इसका एक्चुअली दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करके यूज़ किया है, बिकॉज जब ये खत्म होने वाला था तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू टेक आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, और जब भी मैं स्प्रे करती थी ना तो इधर उधर फैल जाता था, तो दैट वॉज द थिंग आई डेंट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज गुड, इट गिवज अ गुड मॉइस्चराइजेशन टू द बॉडी, एंड इसकी भी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लास्ट नहीं करती है, इट विल लास्ट फॉर लाइक 4 hours और समथिंग, उससे ज़्यादा लास्ट नहीं करती है, इट प्रोवाइड्स गुड मॉइस्चराइजेशन, सो दैट वॉज द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज दिस बॉडी लोशन फ्रॉम नायका, इट्स देयर वंडरलेस जैपनीज चेरी ब्लॉसम बॉडी लोशन, सो इट वॉज अ गुड बॉडी लोशन, मतलब नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट, बट या इट वॉज गुड, द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस वन वॉज ऑल्सो लिटिल थिक फॉर माई लाइकिंग, बट अच्छा है, मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है बॉडी को, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो मॉइस्चराइजेशन ये आपको प्रोवाइड करता है ना डजेंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो फ्रेग्रेंस है वो भी ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती, आई गेस 3 से 4 घंटे लास्ट करेगी एंड उसके बाद इट विल फेड अवे, तो अगर आप फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए ना तो उसके लिए अच्छा नहीं लगा मुझे कुछ खास, बिकॉज ज़्यादा टाइम तक फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करती, एंड मॉइस्चर भी ठीक ठाक टाइम तक लास्ट करता है, नॉट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन, सो या गाइस दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव एम्प्टीड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू एंजॉयड इट, इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव डन ऑलरेडी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर माई फ्यूचर अपलोड्स, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।